ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री व यूपी सरकार के प्रवक्ता पंडित श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस को दंगाइयों का अगुआ कहा। जारी हुए अपने बयान में उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस समेत विपक्ष ने शांत उत्तर प्रदेश को आग लगाई, अब जब सरकार ने दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू की तो वो उनके पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतिवादी है, हिंसा में लिप्त संगठनों का बचाव कर रही है, उसका हाथ साफ तौर पर दंगाइयों के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने अफवाह गैंग के साथ मिलकर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम फैलाने का काम किया। उसके बाद पीएफआई जैसे आतिवादी संगठन ने सुसंगत तरीके से यूपी को हिंसा और दंगे की आग में झोंका। हिंसा करने वाले लोग प्रशिक्षित थे, सरकार के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो इसकी पुष्टि के साथ संगठन की संलिप्तता को भी साबित करते हैं। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, आपका निमंत्रण मिला, उसके बाद जीवन में पहली बार मैंने बांके बिहारी मंदिर का दर्शन किया मेरी धर्मपत्नी के साथ। मैं भी भूत हूँ, इट वॉज हेवनली फीलिंग। वहाँ जाने से ही एक अलग तरीके से चिंतन और मंथन से मन में हो जाता है, साधुवाद के पाकर। 13 अक्टूबर को आप कलकत्ता आए और ये विचार व्यक्त किया। आई एम ऑल दी मोर ग्रेटफुल टू हिम कि ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम जो चूज की है उसकी प्रासंगिकता आज पूरे विश्व में है, अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति को लेकर हर जगह हम देखते हैं एक समस्या हो रही है। जब कोई व्यक्ति आपका विचार नहीं मानता और वो आपको विचार नहीं मानने की वजह से दुश्मन मानने लग जाता है, ये संस्कृति ठीक नहीं है, ये हमारा कल्चर भी नहीं है। तो ये विषय इन्होंने किया, जब वहाँ बोलेंगे तब आप देख लेंगे। बट आई एम प्रिविलेज्ड, डिलाइटेड, और जिनको मैं बिल्कुल ही अपने परिवार का ही समानता हूँ, शरद जी, इनका भी आदेश था। और कुछ लोग होते हैं जीवन में जिनका अनुरोध आदेश होता है, वो स्थिति है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रोटरी इंटरनेशनल के आने वाले समय में जो अध्यक्ष बनेंगे उनका निवास कलकत्ता में है। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हाईली कल्चर्ड स्टेट है। वहाँ की शुभकामनाएं मैं एक ऐसे प्रदेश में लाया हूँ जो मैं समझता हूँ कि हजारों साल की संस्कृति को अपने अंदर सिमेटे हुए है। और मथुरा का तो कहना ही क्या, मैंने गवर्नर काटू जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, हैविंग चोजन दिस प्लेस दैट हैज ग्लोबल इम्पोर्टेंस, ह्यूज सिग्निफिकेंस, लॉर्ड कृष्णा से कितना जुड़ा हुआ है, क्या संस्कृति यहाँ से निकलेगी, क्या भावना निकलेगी, इससे ज़्यादा जो भी वहाँ बोलेंगे आप देख लेंगे आप सब।